अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए हैं। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। अब तक 10 वेपन रिकवर किए हैं जिसमें 9 राइफल्स हैं, 1 रिवॉल्वर है, जिसमें 7 12 बोर की राइफल हैं, 2 315 बोर की राइफल है, 1 32 बोर का रिवॉल्वर है और 430 जो है लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। 4 व्हीकल कन्फिस्केट किए हैं जिसमें 1 मर्सिडीज कार है, 2 एंडेवर्स हैं और 1 ISU ZU जो सुजू व्हीकल है। इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में इस पूरे एपिसोड में जो जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज़ के AKF उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसमें भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे जिनके पास वेपन्स थे उनको ये नाम दिया गया था, उनके पास राइफल्स बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है।